हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राई के कुछ आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं राई के कुछ आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। दोस्तों, राई का आप चूर्ण बना के रख लीजिए। बच्चों को भोजन के बाद यदि एक एक चम्मच दिया जाए तो बच्चों की जो बिस्तर पर मल मूत्र करने की आदत है वो बहुत जल्द छूट जाती है। दोस्तों, राई दो रत्ती, सेंधा नमक दो रत्ती और मिश्री 2 ग्राम मिलाकर सुबह शाम देने से कफ पतला होकर आसानी से बाहर निकल आता है और रोगी को जल्द से जल्द बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, कांख में यदि गांठ हो गई हो तो राई, गुड़ और गूगल को समान मात्रा में लेकर गर्म करके कांख में बांधने से जो कांख की गांठ है वो पककर फूल जाती है और दर्द में भी बहुत लाभ होता है। इससे दर्द, जो असहनीय दर्द है, वो खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, राई 3 ग्राम, भुनी हींग 4 रत्ती को कांजी से पिलाने पर जो गर्भ में मरा हुआ बच्चा है वो बाहर निकल आता है। इसके बाद दोस्तों, राई का चूर्ण 2 चम्मच पानी में घोलकर पिलाने से तत्काल उल्टियां होकर जहर निकल आता है। इससे दोस्तों, जो किसी भी तरह का सांप या कोई जहरीला बिच्छू वगैरह किसी व्यक्ति को काट जाता है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, मूर्छित व्यक्तियों को राई की धुनी देने से बेहोशी की जो समस्या है वो दूर हो जाती है और उसको बहुत जल्द होश आ जाता है। मासिक कसाव खोलने के लिए दोस्तों, राई का चूर्ण, इसमें आप सुहागा का फूल मिलाकर जंबेरी नींबू के शरबत में देने से जो मासिक कसाव है उसमें आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, हैजा होने पर किसी व्यक्ति का यदि शरीर ठंडा पड़ गया हो तो उसके कांच और छाती पर यदि राई का लेप लगाया जाए तो उसे तुरंत लाभ होता है और शरीर का जो तापमान है वो बहुत जल्द सामान्य हो जाता है। दोस्तों, गंजेपन की यदि समस्या है तो राई को पानी में उबालकर इस उबले हुए पानी से सिर धोते रहने से जो बाल है वो उगने लग जाते हैं, नए बाल आ जाते हैं। इससे दोस्तों, सिर पर यदि छोटी छोटी फुंसियाँ हैं वो भी इससे ठीक हो जाती है। इससे शरीर की जो खुजली है वो भी दूर हो जाती है और जुएं यदि हो गई हैं तो वो भी मर जाती है। तो दोस्तों, ये एक ही प्रयोग 3-4 समस्याओं में आसानी से आप मतलब इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का दिल बैठ गया हो और हृदय में कंपन होती हो तो हाथ पैर पर राई का लेप करने से जो रक्त संचालन है वो क्रिया शक्तिशाली होती है और हृदय की जो गति है उसमें उत्तेजना आती है और इससे जो व्यक्ति है वो अच्छा फील करता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, शरीर के किसी भी भाग में यदि गांठ हो गई हो या रसौली हो तो राई, काली मिर्च, इन दोनों को आप समान मात्रा में पीसकर उसमें घी मिलाकर यदि उसका लेप करते हो तो जो इनकी वृद्धि है वो रुक जाती है और बहुत जल्द इसमें आपको आराम मिलता है। दोस्तों, पैर में या शरीर के किसी भी भाग में कांटा या कांच चुभ गया हो और वो दिखाई नहीं दे रहा हो तो राई को आप घी और शहद में मिलाकर लेप यदि आप इसका करते हो तो कांटा और जो कांच है वो बाहर आ जाता है और स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जिसके बाद आप इसको आसानी से इसे निकाल सकते हो। इसके बाद में दोस्तों, आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, ये आपको एक हिदायत है कि जो राई है वो गर्म मिजाज की होती है। राई का लेप करने पर 10 से 15 मिनट के बाद वह स्थान लाल हो जाता है, तो इसलिए जब वह असहनीय लगे तो लेप को हटा दीजिए और वहां पर आप घी या नारियल का तेल उस पे लगा दीजिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।